गुड मॉर्निंग। भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में आपसे चर्चा हो रही थी और इस क्रम में सबसे पहले आपको यह बताया गया था कि शक्ति की अवस्थिति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्ति एक केंद्र में स्थित हो वह एकात्मक शासन प्रणाली होती है, और ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्ति दो प्रकार के केंद्रों में अवस्थित हो, शक्तियों का विभाजन हो, उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जबकि शक्ति अगर अनेक केंद्रों में बांट दी जाए तो वह परिसंघात्मक या कन्फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम का उदाहरण होता है। संघात्मक शासन प्रणाली दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं, शक्तियों के विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और इन सब के साथ साथ लिंकिंग इंस्टीट्यूशंस की फीचर्स को रखती है, तालमेल बिठाने वाली संस्थाओं की विशेषता जो होती है वह भी इसमें पाई जाती है। इन पांचों विशेषताओं के कसौटियों के संदर्भ में अगर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कसा जाए तो भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकारें। संविधान में एक शक्तियों के विभाजन का व्यवस्थित ढांचा है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में दिखाई पड़ता है। लिखित संविधान है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है और इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, इन सब की तरह की संवैधानिक और सांविधिक या वैधानिक और दूसरे तरह के ऐसे राजनीतिक फोरम हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय या तालमेल की स्थापना होती है। भारत की विविधता और विस्तार के कारण भारत को एकात्मक प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, इसलिए भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदर्भ में भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के बावजूद मजबूत केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। भारत में शक्तियों का संतुलन केंद्र और राज्य के संदर्भ में केंद्र की तरफ झुका हुआ है, केंद्र को अधिक शक्तियां हैं, इसलिए मजबूत केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी था। जिस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ हो वहां पर धार्मिक पहचाने कल को स्वतंत्र राज्य की मांग करें, इस आशंका को दरकिनार करने के लिए भारत में मजबूत केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली या इस तरह की आशंकाओं को दरकिनार करने के लिए मजबूत केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत की संघात्मक शासन प्रणाली की प्रकृति को लेकर शुरू के वर्षों से ही अनेक मतभेद रहे हैं, और आपको यह बताया गया कि केसी भीयर साहब ने भारत की संघात्मक शासन प्रणाली को अर्ध संघात्मक कहा, क्वासी फेडरल कहा। कुछ दूसरे विद्वान थे, डीडी बसु ने अर्ध संघात्मकता के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया और डीडी बसु ने कहा कि यह संघात्मक शासन प्रणाली है लेकिन एकात्मक विशेषताओं का झुकाव है इसमें, एकात्मक विशेषताओं के झुकाव वाली संघात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन एएच बिर्च के धारणाओं के आधार पर ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को सहयोगी सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण माना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संकल्पना एएच बिर्च ने
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के संवैधानिक अध्ययन के क्रम में प्रस्तुत की थी और उनका ये कहना था कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है उसमें दो स्तर की सरकारें एक दूसरे से कोऑपरेशन करती हैं और जो प्रादेशिक सरकार होती है वह सामान्य सरकार के ऊपर कुछ मामलों में निर्भर भी होती है, आंशिक निर्भरता भी होती है, तो सहयोग आंशिक निर्भरता। इसके अलावा सशर्त अनुदान की भी शर्तें हो सकती हैं कि अगर सामान्य सरकार के लक्ष्यों को मानने की प्रतिबद्धता प्रादेशिक सरकार के द्वारा व्यक्त की जाती है तो जो जनरल गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो रीजनल गवर्नमेंट को कंडीशनल या सशर्त अनुदान भी देती है। एच बिर्च के इस अवधारणा के आधार पर ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारत में ये सारी चीजें बखूबी पाई जाती हैं, इसलिए भारत दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने हुए दुनिया के उन संविधानों को रखता है, दुनिया के उन संविधानों को रखने वाले पहले देश के रूप में है जहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पाया जाता है। उन्होंने लेकिन एक और बात कही कि सशर्त अनुदान की अगर शर्त को छोड़ दें तो अगर एक दूसरे के सहयोग की बात करें, कोऑपरेशन की बात करें और एक की दूसरे के ऊपर निर्भरता की बात करें तो इन दोनों बिंदुओं पर भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। कि अगर हम ये कहें कि एक सरकार दूसरे सरकार से सहयोग करे, प्रादेशिक सरकारें सामान्य सरकारों से या फेडरल गवर्नमेंट से सहयोग करें और दूसरा कि एक सरकार दूसरे तरह की सरकार पर आंशिक रूप से निर्भर हो तो भारत में ये दोनों विशेषताएं बखूबी पाई जाती हैं। दरअसल सशर्त अनुदान की भी विशेषता भारत में पाई जाने लगी क्योंकि अब भारत में बहुत सारे ऐसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अलावा उपाय अपनाए जाते हैं जहां पर राज्यों के संदर्भ में कहा जाता है कि ये कसौटियां अपनाए जाने पर ही आपको इस स्कीम का क्या लाभ मिलेगा। जैसे स्मार्ट सिटीज की जो पूरी प्रतियोगिता थी उस प्रतियोगिता में ये था कि अगर आप इन कसौटियों का पालन करेंगे तब आपको स्मार्ट सिटी के तहत अनुदान या आपके एक राज्य के भीतर के किसी शहर को स्मार्ट सिटी के भीतर अनुदान प्राप्त होगा। दरअसल जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यह जो अवधारणा थी जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत के संदर्भ में प्रस्तुत की, इसने उस अवधारणा को जो क्वासी फेडरल की अवधारणा थी, जो क्वासी फेडरल की अवधारणा प्रोफेसर केसी वीयर प्रस्तुत कर रहे थे, उस अवधारणा से बिल्कुल अलग ही नहीं बल्कि कई मामलों में विपरीत भी है। केसी वीयर साहब का यह मानना था कि संघात्मक शासन प्रणाली में सरकारों का अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहना आवश्यक है, सरकारों का अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहना आवश्यक है और स्वतंत्र सरकारें एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने अज्यूम कर लिया। सरकारों का स्वतंत्र रहने के बजाय दो स्तर की सरकारों का होना जरूरी है, उनके क्षेत्र अलग होंगे, क्षेत्र अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे से सहयोग करेंगे। और जब आप इस चीज को समझ पूरे तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो पूरी तस्वीर है वो तस्वीर जो है इसमें बहुत सारे रंग आते हैं कि भारत का जो संघवाद है, किसी विद्वान ने कहा है कि बड़ा इंद्रधनुषी है, बड़ा रेनबो है और इसको हम पॉलिटिकली अगर देखें तो भी इसमें बहुत सारे रंग हैं और अगर हम कल्चरली देखें तो भी इसमें बहुत सारे रंग हैं। तो भारतीय संघवाद की जो प्रकृति है, भारतीय जो संघवाद है उसका जो नेचर है, उसमें आपसे मैंने बहुत से आयाम डिस्कस कर दिए हैं, जैसे कि केसी भीयर साहब का यह विचार कि भारत अर्धसंघात्मक है या क्वासी फेडरल है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस अर्थ में वे कह रहे थे और क्यों वे सटीक मूल्यांकन नहीं कर पाए, उनकी परिभाषा में जो फीचर्स थी, जो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं संघवाद की गत्यात्मकता के साथ न्याय नहीं करती हैं। और अगर आप माधव खोसला की भारतीय संविधान की किताब पढ़ रहे होंगे तो संघवाद के चैप्टर में उन्होंने सीधा लिखा है
कि ये संकल्पना गलत है। उन्होंने सीधा लिखा है, मतलब माधव खोसला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत जाने माने विद्वान हैं, वो सीधे लिख रहे हैं कि क्वेसी वियर साहब जो बताकर गए थे ये संकल्पना क्या है, ये गलत है। इंडिया क्वासी फेडरल नहीं है, इंडिया फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि शक्तियां बटी हैं, लेकिन शक्तियों का संतुलन जो है वो केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है और वो एकता और अखंडता को बनाए जाने के लिए था। शक्तियों का बटा होना ही किसी राज्य को संघात्मक बना देता है। और उसी में माधव खोसला साहब ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर एक सरकार के पास, दो स्तर की सरकारों के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं, तो इसका मतलब कि शक्तियां बटी हुई हैं। लेकिन एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो जिसमें दो स्तर की सरकार हो, दो स्तर की सरकार हो, लेकिन एक स्तर की सरकार से कानून बनाने की ताकत आप कभी भी छीन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये यूनिटरी होगा। तो यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग जो पावर है वो किसके किसके पास है। अगर वो दो के पास है भी लेकिन एक दूसरे का छीन सकता है तो यूनिटरी ही होगा। लेकिन अगर दो के पास है और दोनों में से किसी का छीना नहीं जा सकता, जब तक कि हम संविधान बदल न दे, तब तक हम क्या है, हमें मानना पड़ेगा कि वहां पर डिवीजन ऑफ पावर है, और डिवीजन ऑफ पावर है तो फेडरलिज्म है। सीधा सा फंडा है कि अगर डिवीजन ऑफ पावर है तो फेडरलिज्म है, अगर डिवीजन ऑफ पावर है तो देयर मस्ट बी टू काइंड ऑफ पॉलिटीज, दो तरह की पॉलिटी क्या है होगी। तो एक तो ये बताया गया, फिर इसी को ठीक करने के लिए कहा गया कि भारत एकात्मक विशेषताओं के साथ, यूनिटरी फीचर्स के साथ, एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक प्रणाली है। यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, और इस तरह की संकल्पना डीडी वसूली की, ये भी आपको बताया गया। एकात्मक विशेषताएं क्या है, आगे डिस्कस करेंगे शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में। फिर तीसरी बात बताई गई कि कुछ लोगों ने कहा कि भारत सहकारी संघवाद का, भारत जो है यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। और यहां पर आपको बताया गया कि एच बिर्च ने और ऑस्टिन ने, बिर्च ने तो यह अवधारणा प्रस्तुत की, ऑस्टिन ने इसे भारत के ऊपर लगाया। और ऑस्टिन ने अपनी फेमस किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में संघवाद के पहले चैप्टर में शुरू में ही ये बताना शुरू किया कि भारत अलग प्रकार का संघ है, भारत अनूठा संघ है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधान जब बने थे उसके बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो संविधान बने, उनमें सरकारों के बीच के सहयोग को, निर्भरता को स्वीकार किया गया। और ये 200 वर्षों का अंतर था, तो 200 वर्षों का अनुभव भी क्या है सामने आया। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मैंने आपको कहा कि अगर बिर्च की डिफिनीशन को देखें तो बिर्च यहां पर कह रहे हैं कि दो स्तर की सरकारों के बीच में सहयोग होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं कोऑपरेशन होगा, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन। और एक स्तर की सरकार दूसरे स्तर की सरकार के ऊपर क्या होगी, निर्भर होगी, और सशर्त अनुदान की भी शर्तें हो सकती हैं। और ऑस्टिन ने कहा कि इन दोनों विशेषताओं के संदर्भ में भारत बखूबी संघवाद है, और वो सहकारी संघवाद का क्या है, उदाहरण है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ। फिर एक अगला जो आयाम है वो ये है कि अगर हम यहां पर इकाइयों के दर्जे या हैसियत की दृष्टि से देखें, संविधान दो प्रकार के राज्यों को बनाता है या दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को निर्मित करता है, एक केंद्र स्तर की और दूसरी प्रांत स्तर की। और इसमें जो प्रांत हैं वो इकाइयां हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत का संघ बनाते हैं, लेकिन इन इकाइयों का दर्जा बराबर नहीं है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें इकाइयों का दर्जा बराबर हो वह सममित संघवाद है। एनसीईआरटी के शब्दों में कहें तो वह समतोल संघवाद है, वह सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, जहां इकाइयों का दर्जा बराबर हो।
और जहां इकाइयों का दर्जा बिल्कुल बराबर न हो वहां असममित संघवाद है। भारत और अमेरिका के संघवाद में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि अमेरिका में जो इकाइयां हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो फेडरल सिस्टम को बनाती हैं, उनका दर्जा क्या है? बराबर है। लेकिन भारत में जो इकाइयां हैं, और इकाइयां भी दो प्रकार की हैं, राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका दर्जा बराबर नहीं है। इसलिए भारत क्या है? भारत असममित संघवाद का उदाहरण है। भारत जो है वह असममित संघवाद का उदाहरण है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण है। ये बात प्रोफेसर एमपी सिंह ने लगभग अपनी हर किताब में कही और ये बात इतनी फेमस हो चुकी है कि एनसीईआरटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में लास्ट वाले चैप्टर में ये बात क्या है मिलेगी। सवाल यहां से भी हो सकते क्वेश्चंस क्या है यहां से? अब क्वेश्चन इसके किसी पार्ट पर हो सकते हैं या पूरे पर हो सकते हैं। एक और बात, कोऑपरेशन जो होता है तो कोऑपरेशन स्वैच्छिक होता है, एक तरफा भी हो सकता है। जो बड़ा है, जो ज्यादा ताकत रखता है, उसके संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कोलैबोरेशन करना तो दो तरफा होता है। तो एक नया टर्म ईजाद किया गया कि इट इज नॉट शेयर टू गुड, इट इज नॉट एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इट इज नॉट एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म टू से दैट इंडियन फेडरलिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। मतलब यहां पर सहकार से भी आगे बात पढ़ी चली गई और ये यहां पर क्या हुआ कि भारत जो है वो सहयोगात्मक संघवाद या कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। दरअसल इसमें एक विमर्श है और वो विमर्श एमएम पुंछी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के पर विचार करने के लिए उठाया था। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 2010 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएम पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि केंद्र राज्य संबंधों के समकालीन विमर्श में तीन प्रकार के दृष्टिकोण हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के आजाद होने के समय हम ये सोचते थे कि मजबूत केंद्र की जरूरत है भले ही राज्य कमजोर हो जाए। फिर एक दौर आया जिसमें मजबूत राज्यों को मजबूत केंद्र के अगेंस्ट हमने सोचा, लेकिन आज का दौर है जिसमें हम ये सोचते हैं कि मजबूत राज्य मजबूत केंद्र के अगेंस्ट नहीं। मतलब पहला दौर था सशक्त केंद्र किंतु कमजोर राज्य, दूसरा था सशक्त केंद्र बनाम कमजोर राज्य या बनाम मजबूत राज्य। एक बनाम का एक वास्तव में क्या है, विरोध का रिश्ता माना गया। लेकिन अब हमारी जो समझ है वो ये है कि मजबूत राज्य जब होंगे तभी क्या है, संघ ज्यादा मजबूत होगा। तो यहां पर ये जो दृष्टिकोण था ये कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के संदर्भ में आया। फिर एक और यहां पर बात कि जब मजबूत हो जाएंगे तो राज्य आपस में और केंद्र और राज्य दोनों कुछ मामले में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि भारत में एक प्रतिस्पर्धी संघवाद है, यह प्रतिस्पर्धा विकास के लिए है, यह प्रतिस्पर्धा लोगों की भलाई के लिए है। और 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर ही रखा गया जिसमें कहा गया कि नए भारत में शहर जो होंगे सिटीज विल बी डायनेमोज, वे गतिशीलता के आधार होंगे। और अब जो हमारा संघवाद है
वो राज्यों या इकाइयों की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर उप वास्तव में प्रतिस्पर्धी उपसंघवाद हो गया है, कोऑपरेटिव सब फेडरलिज्म हो गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में तो राज्य प्रतिस्पर्धा करेंगे विकास के संदर्भ में कि विकास के पायदान पर, विकास के पैमाने पर कौन सा राज्य जो है वो क्या है ऊपर है, लेकिन प्रतिस्पर्धी उपसंघवाद में शहर करेंगे। स्वच्छता की रैंकिंग में इंदौर अगर पहले है तो इंदौर पर आज फक्र मध्य प्रदेश सरकार को भी है और इंदौर के निवासियों को भी है, और उसके लिए इंदौर के लोग भी प्रयास करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी उसको में क्या करती है, मदद करती है। स्वच्छता सर्वेक्षण इलाहाबाद में भी हुआ तो वहां पर भी आप ये देखेंगे कि प्रवृत्ति यही है। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर है। अब यहाँ पर हम लोग असममित संघवाद को देखेंगे और सिमेट्रिकल फेडरलिज्म को क्या है देखेंगे। तो असममित संघवाद असममित संघवाद या असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, इसमें क्या क्या आयाम आपको ध्यान में रखने हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, IAS PCS का उत्तर लिखने में सबसे पहले विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि क्या है। दूसरा, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्यों अपनाया गया और असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के प्रकार क्या हैं? असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के प्रकार क्या हैं? सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन तो हो लेकिन इकाइयों को बराबर शक्तियां ना दी जाए। मतलब अगर इकाइयों की शक्ति बराबर है तो इकाइयों की हैसियत भी कमोबेश बराबर होगी, लेकिन इकाइयों को दी गई शक्तियां अगर बराबर नहीं हैं तो इकाइयों की हैसियत भी बराबर नहीं होगी। तो इकाइयों को दिए गए दर्जे के आधार पर, और इकाइयों का मतलब यहां पर संघटक इकाइयां हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये संघटक इकाइयां हैं, दीज आर फेडरेटिंग यूनिट्स। ये संघटक में स उपसर्ग अगर हटा देंगे तो ये घटक हो जाएगा। संघ हमेशा किससे बनेंगे? घटकों से बनेंगे। संघ शब्द हिंदी का इसीलिए इस्तेमाल ही किया जाता है। संघ किससे बनेंगे? घटक से बनेंगे। संघटक तक हटा दिया, संघ हो गया। तो ये इकाइयां क्या है? ये घटक इकाइयां हैं। इकाइयों का, इकाइयों को दिए गए दर्जे के आधार पर फेडरल सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं। जहां दर्जा बराबरी का है वो सिमेट्रिकल है, और जहां दर्जा बराबरी का नहीं है वहां पर क्या है, वो असिमेट्रिकल है। भारत में दर्जा बराबरी का नहीं है, अनुच्छेद 370 को याद करिए, कश्मीर विशेष प्रावधान 371 को याद करिए, 371 बी सी डी ई एफ जी, आंध्र प्रदेश, दूसरे नागालैंड, सिक्किम, इनको अलग अलग प्रावधानों में अलग अलग शक्तियां दी गई। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी असमानताएं हैं। तो भारत एक असममित संघवाद का उदाहरण है। असममित संघवाद वह होता है जहां भिन्न भिन्न इकाइयों को भिन्न शक्तियां दी जाती हैं, जहां इकाइयों का दर्जा बराबर नहीं होता है। क्यों असममित संघवाद हमने अपनाया? एक असममित संघवाद अपनाने के दो कारण हैं। एक भौगोलिक या प्रादेशिक जो है, जो भेद हैं, जो अंतर हैं। दूसरा सांस्कृतिक विविधता जो है वो लोगों की पहचान, लोगों की आकांक्षा, लोगों की अस्मिताओं में अंतर भी करती है और लोगों की अपेक्षाओं को भी क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो भारत में भौगोलिक या प्रादेशिक विविधताओं और सांस्कृतिक विविधताओं की वजह से असममित संघवाद को क्या है, अपनाया गया। असममित संघवाद भारत में चार प्रकार का है, इसको नाम भी दिया जाता है और इसके उदाहरण भी हम समझ सकते हैं। एक है इंटर स्टेट, जिसको हम, और एक यहां पर ये भी आप समझिए,
कि इंटर शब्द और इंट्रा शब्द ये दोनों क्या है, अलग है। इंटर शब्द मतलब बीच का, इंटरमीडिएट। इंट्रा मतलब भीतर का। तो अगर हम कहते हैं इंटर स्टेट तो राज्यों के बीच का, इसका मतलब राज्यों के बीच के अंतर की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर पहला मैं दे रहा हूं अंतरराज्यीय, और अंतरराज्यीय में मैं कह लूंगा जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, ये अंतरराज्यीय अंतर रखते हैं। और पूरी छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, सिक्स शेड्यूल पूरा, ये अंतरराज्यीय असममिति का उदाहरण है। यह क्या है? अंतरराज्यीय असममिति का उदाहरण है। अंतरराज्यीय ये छठी अनुसूची अंतरराज्यीय ये बीच का है, अंतरराज्यीय भीतर का। अंतरराज्यीय का उदाहरण जो है वो दो हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात कही गई है, और 16 के आधार पर ही आरक्षण भी नौकरियों में दिया जाता है, 16-5 के आधार पर। 16-3 में निवास संबंधी अपेक्षा लगाई गई है, नौकरियों में निवास संबंधी अपेक्षा के आधार पर अंतर करने की शक्ति संसद को दी गई है। लेकिन अगर किसी संसद कोई ऐसी चीज करती है कि वह आंध्र प्रदेश के लोगों को नौकरियों में निवास की अपेक्षा के आधार पर वरीयता देने का कोई भी कानून आंध्र प्रदेश के संदर्भ में लागू करती है, या आंध्र प्रदेश के वर्तमान आंध्र प्रदेश के किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में लागू करती है, तो ये एक राज्य के संदर्भ में भी अंतर हो सकता है और राज्य के भीतर के किसी क्षेत्र के संदर्भ में भी हो सकता है। जैसे जब पहले आरक्षण दिया गया था तो उत्तराखंड जब भारत उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को आरक्षण देने की मांग क्या है, आरक्षण देने का प्रस्ताव था, बाद में कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन एक राज्य के भीतर किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को अगर आप कोई विशेष प्रावधान कर रहे हैं तो ये अंतरराज्यीय नहीं है, ये क्या है? अंतरराज्यीय है। तो 16 को यहां पर डिस्कस करेंगे कि संसद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए निवास की अपेक्षा लगा सकती है, तो ये अंतरराज्यीय जो है या अंतरराज्यीय जो है असममिति का आधार है। फिर इसके साथ ही इकाइयों के आधार पर एक तरफ 29 राज्य हैं और दूसरी तरफ 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तरफ 29 राज्य हैं और दूसरी तरफ 7 केंद्र शासित क्या है, प्रदेश हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, डिफरेंस है। और इसके अलावा अन्य असममितियां भी हैं। तो भारत एक असममित संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि भारत में अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय इकाइयों का अंतर और इसके साथ ही कुछ दूसरे भी अंतर क्या है, अंतर राज्यों के हैसियत या दर्जे के संदर्भ में मौजूद है। राज्यों के हैसियत या दर्जे के संदर्भ में क्या है, मौजूद है। अब यहीं पर हम अमेरिका से भी क्या है अलग हो गए। एक और अन्य के संदर्भ में क्या है, देखिए कि भारत में राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व को व्यक्त करता है, इसीलिए उसका नाम ही है राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्य के हिसाब से नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से है। इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य राज्यसभा में ज्यादा लोगों को भेजते हैं, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य कम से कम लोगों को भेजते हैं, कहां 31 कहां 1। अब यहां पर क्या हुआ, ये अन्य में मैं रख रहा हूं राज्य।